दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कनाडा के बारे में वो है यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस। लोगों को जनरली लगता है कनाडा यूएसए में हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ फ्री रहता है, बट देयर इज अ कैच बिहाइंड दैट। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो आपको इंश्योरेंस देती है, जैसे मैं अल्बर्टा में रहता हूँ तो आई हैव अल्बर्टा हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट लेके अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, इवन कुछ टेस्ट करने में तो टेस्ट भी करेगा, वो सब कुछ फ्री। उसके बाद अगर वो आपको कुछ मेडिसिन वगैरह देता है लेने के लिए, को चार्जेस देने पड़ते हैं, वो आपको खुद भरने पड़ते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। सेकेंडली, तो डेंटल और आई से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री नहीं है। तो अगर आपको डेंटल एंड आई केयर फ्री चाहिए तो वो आपका दो तरीके से होता है। जो यूनिवर्सिटी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो उसमें आपका डेंटल एंड आई केयर दोनों कवर होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं वहाँ से भी आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है उससे आपका आई केयर एंड डेंटल प्लस में आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन की जो मेडिसिन होती है वो भी कवर हो जाती है।